हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माजी दाता प्लांट्स केयर। मैंने बारिश की वजह से बहुत दिन हुए वीडियो नहीं बना पाई। आज थोड़ी धूप है इसलिए वीडियो बना रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा करेले की सब्ज़ी लगी है। मैंने पहली बार हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, वीडियो भी डाल चुकी हूँ। ये देखिए मिर्चियाँ, चिल्लीस। पिछली मरतबा मैंने सिर्फ फूल के प्लांट्स लगाई थी, इस मरतबा आजमाने के लिए लगता है या नहीं देखेंगे बोल के लगाई थी। तो इतनी अच्छी वेजिटेबल्स लगी है, अच्छी लगेगी कि नहीं मैंने डाउट पर ही लगाया है। अभी एक क्लूस फ्रेंड्स, एक क्लूस है। देखिए फ्रेंड्स, इतनी अच्छी लगी है। अब साल भर जितना भी इसको देखभाल करो, कंपोज सब डालो, फिर भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। जब सावन के महीने में बारिश आती है तो कुदरती तरीके से खुद ब खुद बहुत अच्छे सी तरकारी देखने को मिल सकती है। फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से लगा सकते हो, हर एक प्लांट्स पर कुदरती बहार आ सकती है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने टप में डाली हूँ, मूलियाँ कितने अच्छे से ग्रोथ हुई हैं। और ये प्लांट चिरी टमाटर है, अच्छे से ग्रोथ हो रहा है। और ये देखिए इधर, इसको तुराई बोलते हैं कर्नाटक में, कितनी अच्छी सब्ज़ी लगी है। ये चार मर्तबा मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, फिर भी अभी लगे हैं। ये देखिए लौकी, ये 24 इंची पार्ट में अमरूद का प्लांट लगाई हूँ, अच्छे से ग्रोथ हो रहा है। बारिश की वजह से बहुत अच्छा ग्रोथ हो रही है प्लांट्स की, अभी इसमें फूल फल नहीं लगे। और इधर जूनियर मूली लगाई हूँ छोटे से, ये दो तीसरी मरतबा लगाई हूँ। अभी इधर रड़ी मूली है, देखिए फ्रेंड्स, कोशिश करने से कामयाबी मिल सकती है। मैंने तीन चार मरतबा लगा कर चुप रह गई थी, इतना अच्छा नहीं आएगा रिजल्ट बोल के। ये देखिए फ्रेंड्स, इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है मूली की, यकीन ही नहीं होता। जिस तरह से खेत पर उगते ही मूलियाँ इस तरह से 36x36 ग्रो बैग में इस अच्छे से लगे हैं, 36x36 ग्रो बैग में अच्छे से लगे हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, इधर मैं पालक लगाई थी तो तीन या चार मरतबा हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। अब ये पालक पर बीज जा रहे हैं इसलिए यूं ही छोड़ दी हूँ, चंदन के बाद ये हार्वेस्ट करने तो बीज मिलेंगे मेरे को। और इधर देखिए फ्रेंड्स, इधर मिर्ची, कैप्सिकम, एक ही प्लांट में चार या पांच मिर्ची लगे हैं। अब भी इस तरह से तारसी पर डाल सकते हैं। मैंने ये बारिश की वजह से पूरे प्लांट्स को कट करके नए सी ग्रोथ के लिए डाली थी तो थोड़ी अच्छी ही ग्रोथ हो रही है। ये देखिए आनियन लीफ किचन में बहुत काम आ सकती है, इसलिए मैंने कई बार हार्वेस्ट कर चुकी हूँ और नए तरीके से इस पर और लगाई हूँ। अभी अच्छे से ग्रोथ हो रही है फ्रेंड्स। ये देखिए बटन रोज का नाम, ये देखिए फ्रेंड्स, दासवर्ल्ड बोलते हैं इधर कुडल को। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से हर एक फूल, हर एक प्लांट्स मानसून सीजन बारिश की वजह से बहुत अच्छी बहार आ सकती है, ऐसा लगता है गार्डन में। और इधर चिरी टमाटर लगाई थी तो बकेट में, ये भी अच्छे से ग्रोथ हो रहा है। और ये बैंगन प्लांट है, और ये भी, और ये भी इधर बैंगन प्लांट, इधर पुई भाजी का लगाई। पिछली मरतबा मैंने तुराई की बेल इसमें डाल कर निकाल कर और नवे से डाली हूँ, अच्छे से ग्रोथ हो रही है। और इधर सदाबहार फूल लगे हैं, इधर थोड़े
शो के फूल्स लगाई हूँ। इधर चुप यूं ही लगाई थी तो इतनी अच्छी चिलीज लगे हैं फ्रेंड्स, फ्रेंड के साथ शेयर करने के लिए अच्छा लग रहा है। और इतने छोटे 10 इंच पॉट में देखिए फ्रेंड्स, बैगन क्यों अच्छा लगा है। इधर क्रिस्टमोनियम फ्लावर्स पिंक लगे हैं, थोड़े बादल हटे हटे हैं फ्रेंड्स। इधर 10 o'clock दो कलर के हैं, बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रहा है क्रिस्टमोनियम फ्लावर्स। इधर भी भर भर के लगे हैं जी, इधर लगी है फ्रेंड्स बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ऑनलाइन में मैंने एक ग्रो बैग मंगा कर लगाई थी। अच्छा लगे लाइक कर देना, जो नए हैं सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स।